गोलगप्पे, ये बड़ी इमरान के मशहूर गोलगप्पे, अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कहानी है इसकी। हुआ कुछ ऐसा, आज मुल्तान में क्योंकि गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं तो मुझे किसी ने बताया कि इस मार्केट में रिजवान गोलगप्पे बहुत मशहूर है और मुल्तान में आप किसी से कुछ भी पूछें उसका जवाब होता है जी अगले चौक पे, और अगले चौक पे कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्टैंडर्ड जुमला है जो लोगों ने याद किया है। उस वक्त बज रहे थे शाम के 6, ये भाई ने मुझे कहा कि ये इमरान के गोलगप्पे ये बहुत मशहूर है, लेकिन मैं रिजवान को ढूंढता रहा, लोगों ने मुझे कहा अगला चौक। मैं खानेवाल पहुंच गया, अगले चौक खानेवाल में मुझे भाई ने बताया भाई अगला चौक गया, पता नहीं बिहाड़ी आ गया। फिर वहाँ से गाड़ी घूम के रात के 11 बजे अब मैंने अच्छा, फिर उसके बाद हमने खाना खाना था दरबारी का, उनका इंतकाल हो गया तो उनके मन था। फिर मैं रात 11 बजे इनसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि इन्होंने मुझे 7 बजे कहा था यहाँ गोलगप्पे खा ले, और मैं अगले चौक बिहाड़ी, बावलपुर, मुल्तान, पता नहीं कहाँ से घूम के अब रात 11 बजे वहीं से आया हूँ। और ये भाई से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इनकी बात को मना किया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ इधर। ठीक है भाई, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे पाप धुल गए। मैंने आपको कहा था ना यही है, आपने 3 दफा चक्कर काटे। मैं बावलपुर से आ रहा हूँ भाई, अगले चौक। तो भाई इनसे मैंने माफी मांग ली, और जो 6 बजे मैं खाने आया था वो मैं अब खा रहा हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट, कराची में जिस जो बिलो एवरेज जगहों के होते ना वो है ये, ना पानी में दम है ना इसमें। ये दिन के नमकीन और स्पाइसी गोलगप्पे, इमरान के गोलगप्पे खा के उससे माफ़ी मांगी, उसके आगे हाथ जोड़े अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद हम ये पापा जीनोज आए। ये चाइनीज़ टेक अवे इस एरिया में बड़ा मशहूर है, तो शेफ उनके किचन ने जो रिकमेंड किया है हमने वही ऑर्डर किया है, वो खाएंगे। मुल्तान में कभी हमने चाइनीज़ नहीं खाया था तो हमारा ये ख्वाब भी पूरा हो गया। 12:30 बज रहे मुल्तान में हैं हम, और शाम से बड़ा भारी वक्त चल रहा है, कहीं कुछ सही हमें खाने का नहीं मिल रहा। लास्ट जो चाइनीज़ खाना था वो उन्होंने भी गलत ऑर्डर दे दिया, तो वहाँ से भी हम उठ के आ गए। अब हम इधर पिज़्ज़ा गार्डन है, ये इसके बराबर में ही मेरा जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके बराबर में अब यही ऑप्शन है, तो ये खाएंगे और कल यहाँ से चले जाएंगे। अब ना हमसे ना हो पाएगा हमसे। आज का भी मैंने आपको सारा दिन का किस्सा सुनाया था, आज हमारा दिन जिंक्स हो गया, हमने इमरान के गोलगप्पे ठुकराए तो हम सारा दिन जलील हुए। ये इनका कोई स्पेशल पिज़्ज़ा है जो इन्होंने रिकमेंड किया था, मैंने वो ऑर्डर कर दिया। ये मोटे वाले नान वाला टाइप का पिज़्ज़ा है। कुछ खाना था तो ये खा लिया, मुल्तान में बहुत मशहूर है, गैर ज़रूरी बहुत सारी सॉसेज इन्होंने डाली हैं। एक तो है जो सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी है, डायनामाइट प्रॉन्स वाली एक गैर ज़रूरी इन्होंने डाल दी है, ये इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है। मोटा डो है, फ्रेश है, भूख लगी है तो खा लेते हैं। तो ये इनकी डिप सॉस है, बकौल इनके बहुत स्पेशल है। मुल्तान के हिसाब से सही है बॉस। विंग्स भी आ गए, ये इनके विंग्स हैं
बिल्कुल वो फ्राइड चिकन। KFC का मी टू है, काफी क्रंची है और एवरेज। ये जो हमने पिज्जा और विंग्स और कोक थी, 1510 रुपए का बिल था, एवरेज खाना था, कुछ ऐसा नहीं था। हो सकता है मुल्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टॉप नॉच था। और रात के 1 बजे यही मिल गया, बहुत है। अब इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा और आपको अच्छी चीज़ों का पता है क्या करनी है ना। सही।